जैन सभी को सेवन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं, जिसका नाम है घनवाद, अति अतियर्थार्थवाद तथा अमूर्त कला। यानी कि इस चैप्टर के अंदर देखिए ये हमारा 7 चैप्टर है। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर अपलोड कर दिया। आप लोग जाकर चैनल की प्ले लिस्ट में बढ़िया से डांस कर सकते हैं, ठीक है मतलब पढ़ सकते हैं। सारे चैप्टर अपलोड कर रखे हैं, आप लोग जाकर जरूर देखें। मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो एग्जाम के जो है एग्जाम में आने वाले हैं, और इन्हीं से ही पूछा जाएगा। इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। आप हर चैप्टर की वीडियोस बढ़िया तरीके से देखें, नोट्स वगैरह बना सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं, चैनल के अबाउट में नंबर दे रखा है, ठीक है। देखिए तो हमारे इस चैप्टर के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन है। नाम है घनवाद वगैरह ये सब क्या होता है, तो इसमें देखिए इस ये जो तीनों नाम दे रखे हैं, इनके तहत जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं या जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें कोई ना तो कोई मूर्त रूप होगा, यानी कोई सकल सूरत वगैरह ऐसा कुछ दिखा नहीं रखा होता है इनमें। तो घनवाद वगैरह में क्या होता है ये सारी चीज़ हम लोग बढ़िया तरीके से जानेंगे। चलिए देखते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है घनवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आखिर घनवाद होता क्या है? ये एक ऐसा आंदोलन है जब लोग मतलब बताया ना पिछले चैप्टरों में ही कि आंदोलन होते हैं समय समय पर, क्या होता है आंदोलन, यानी कि लड़ाई वगैरह होती है। आंदोलन मतलब अपनी चित्रकला को या मूर्तिकला हो या कोई भी चीज़ हो उसको बस बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना। तो एक ऐसा समय जिस टाइम ये सारी चीज़ें बहुत तेजी से आगे बढ़ी उसको क्या बोला जाएगा? घनवाद बोला जाएगा। तो क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है अपने अपने स्क्रीन पर देखिए। घनवाद चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक शैली है। घनवाद क्या है? एक बनाने की कला है। घनवाद के अंदर जो चित्र मूर्तिकला वगैरह बनाया जाता है, मूर्ति वगैरह बनाई जाती है, तो उसमें ये बनाने की एक टेक्निक हो गई, बोल सकते हैं शैली हो गई, जो लगभग 1907 में पेरिस में प्रारंभ हुई, यानी पेरिस में जो है ये शुरू हुई थी। क्या? तो ये जो घनवाद चित्रकला शैली है वो फेमस हुई थी 1907 में, कहाँ? पेरिस में। समय और जगह याद रखना है। देखिए इसका जनक सेजान को कहा जाता है। सेजान जो है इसका जनक है, यानी इसकी शुरुआत किसने करी? घनवाद की, तो सेजान ने करी। तो घनवाद क्या होता है? घनवाद क्या हो गया? एक मूर्ति बनाने की कला हो गई, चित्र बनाने की कला हो गई, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर और देखिए जरा। उसके अनुसार प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोला ही समझकर जो है उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ये बोल रहे हैं मूर्त रूप देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सकल सूरत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम क्या करें? बेलन या गोलनाकार रूप देकर उसको डिजाइन करें। 20वीं सदी के प्रारंभ की यह शैली एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, यानी 1907 में शुरू हुई थी ना, तो 20वीं सदी में शुरू हुई, ठीक है। बोला जा रहा है घनवाद का उद्देश्य आकार पर जोर देना था, ना कि ज्यामिति आकारों पर। ये आकार पर जोर देता था, ये क्यूबिक होता था, क्यूबिक बोलते हैं इसको। तो इस आकार की जो है ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बना बना के चित्र आप लोग को दिख ही रहा होगा किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें क्यूबिक होता है सारा, ना ही षटकोण वगैरह देखा होगा, ना ही टेढ़ा मेढ़ा आकार इस तरीके का, कोई भी आकार हो टेढ़ा मेढ़ा हो ना इस तरीके का, तो ये सब चीजें नहीं होंगी इसमें। इसमें क्या चीजें आएंगी? क्यूबिक होगा ये, इस तरीके से जो है चित्र वगैरह बॉक्स टाइप में बनाया जाएगा इसमें। तो बोला जा रहा है घनवाद का उद्देश्य आकार पर जोर देना है, ना कि ज्यामिति आकारों में प्रयुक्त रंगों की गहराई पर। आकार अत्यधिक अमूर्त और सामान्य होते हैं, यानी अमूर्त यानी कोई इसमें मूर्त रूप नहीं देते, सकल सूरत नहीं दिखाई जाती, थोड़ा डिफरेंट टाइप का चित्र बनाया गया है, उसी को बोला जाता है क्या? घनवाद। 1907 में आया, सेजान लेकर आया इसको। कौन लेकर आया? सेजान। क्लियर हो गया ना इतना? चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। बस ये सारी चीज याद रखनी है, बहुत इजी तरीके से समझा दो, क्लियर हो जाएगा। दूसरा भी एक चित्र बनाने की कला हो गई, यति यथार्थवाद में जो है कांडिस्की की कलाकृतियों का जो है क्या योगदान है। पहले वाले में सेजान पढ़ा था, दूसरे वाले में ये आ रहे हैं नाम कांडिस्की। ये क्या कर रहे हैं इन्होंने? इन्होंने ये वाली चित्रकला का जो है काफी उत्थान किया, जिसको अति अर्थार्थवाद कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको देखिए जरा, आंसर आप लोग इसने स्क्रीन पर देखिए। देखिए अति अर्थार्थवाद एक दूसरा आंदोलन था जो 1924 में प्रारंभ हुआ था। ये कब शुरू हुआ था? 1924 में, और पहला वाला 1907 में, ठीक है। वो कौन लेकर आए? सेजान। ये कौन लेकर आए? कांडिस्की। तो बोला जा रहा है 1924 में प्रारंभ हुआ और 1955 तक चलता रहा था। क्लियर है ये वाला चित्र? इसमें क्या होता है देखिए, इसमें कई कलाकारों ने अपना योगदान दिया, इन्हीं कलाकारों में कांडिस्की भी एक था। वैसिली कांडिस्की रूस
का कलाकार था, ये क्या है, रूस का एक कलाकार है। कांडिंस्की क्या है, रूस का एक कलाकार है। वह एक प्रसिद्ध चित्रकार था, वो क्या है, एक काफी फेमस चित्रकार है तथा कला सिद्धांतवादी माना जाता है। कला क्या होता है, सिद्धांतवादी माना जाता है। ये देखिए बोला क्या गया, वह एक प्रसिद्ध चित्रकार तथा कला सिद्धांतवादी था, काफी इंटेलिजेंट चित्र वगैरह बनाने में। बोला जा रहा है कांडिंस्की अमूर्त कला के जन्मदाताओं में से एक है। कांडिंस्की ने क्या बनाया कि ऐसे चित्र बनाए जिसमें कोई मूर्त रूप, सकल सूरत वगैरह वैसा टाइप का कुछ नहीं दिखाया गया। उसके चित्र अमूर्तीकरण तथा ज्यामितीय विचारधारा का मिश्रण है, किसी भी आकार का, ऐसा नहीं है तो क्यूबिक उन्होंने किया था, तो ये ज्यामितीय आकार की या तो अमूर्तीकरण यानी कि कोई भी मूर्ति वगैरह या बोल सकते हैं चित्र वगैरह ऐसा फेस टाइप का नहीं दिखाया इन्होंने। उनकी चित्रों से आगामी पीढ़ी बहुत अधिक प्रभावित हुई। कांडिंस्की यानी जो भावी पीढ़ी है ना, आने वाली पीढ़ी, वो काफ़ी इंप्रेस हुई और कांडिंस्की की चित्रों में सरलता तथा शुद्ध रेखा लेख ऐसे चित्र चित्रित किए गए हैं मानो कंकाल में मांस ही ना हो। इन्होंने ऐसा दिखाया कि कंकाल मतलब मांस में कंकाल ही ना हो, ऐसा दिखाया गया है। कांडिंस्की के लिए मतलब हर चीज ऐसे लोजू मोजू सी दिखाई गई है, तो कांडिंस्की के लिए रेखाएं आकार तथा रंगों का अपना ही अलग अर्थ था तथा वे अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आते थे। ये अपने हिसाब से रंग भरते थे, अपने हिसाब से चित्र वगैरह बनाया करते थे कांडिंस्की। उसके अधिकांश चित्रों में खींची गई रेखाएं अपूर्ण हैं, यानी पूर्ण रूप से कोई भी रेखा इन्होंने खींची नहीं है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसकी अपनी ही जिंदगी है। उन्होंने अपने तरीके से, क्योंकि देखिए हर कलाकार की अपनी एक अलग शैली होती है, हर कलाकार अपने मन मस्तिष्क से ड्रॉ करता है कोई भी चीज़, तो ये कांडिंस्की ने किया है क्या, अतिये अर्थात्वाद। तो ये कांडिंस्की का हो गया और ये वाला सेजान का हो गया घनवाद। ठीक है, धनवाद मत बोल देना, घनवाद होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आ रहा है यही क्वेश्चन से नेक्स्ट सिंबल रखा है, ये आपको चित्र वगैरह दिखा रहा हूं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि कांडिंस्की की कलाकारी ब्लैक लाइंस पर एक अनुच्छेद लिखी। अब ब्लैक लाइंस क्या है, आप लोग पहले चित्र देख लीजिए, इसमें आपको कुछ जो है अटपटा सा लग रहा होगा, पूर्ण रूप से कोई ना मूर्त दिखा रखी है, ना मूर्त रूप दिखा रखा है, ना मूर्ति है, ना चेहरा है, देखिए कैसे दिखा रखा है। देखिए पर हर कलाकार की अपनी जो है, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते, हर किसी की अपनी कलाकार की कुछ खासियत होती है। आगे बस में देखिए, तो ब्लैक लाइंस नामक चित्र कांडिंस्की के प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। यह 1913 ईस्वी में बनाई गई थी। चित्र के शीर्षक के अनुसार चित्र की रेखाएं भारतीय स्याही द्वारा खींची गई प्रतीत होती हैं। यानी कि क्या है, भारतीय स्याही द्वारा, इसमें देखा होगा ब्लैक ब्लैक सिलाइनें हैं, ठीक है, परंतु वास्तव में ये रेखाएं काले रंग से खींची गई हैं। इस संयोजन में व्यथानुसार चित्र में एक विशेष कॉर्नर में खींची गई रेखाओं से एक भिन्न अर्थ निकलता है। कांडिंस्की ने जो ये बनाया है, क्योंकि देखिए हर चित्रकार का अपना एक अलग जो है कला होती है, हर किसी की अपनी कला होती है, वो अपने हिसाब से जो है उसको बनाता है। आगे बस में चलिए, उसके बाद आता है अमूर्त कला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए अमूर्त कला क्या है, जिसमें मूर्त वगैरह रूप ना हो, सकल सूरत चेहरा वगैरह ना हो। जैसे अमूर्त कला अभिव्यक्ति विहीन जो है, अभिव्यक्ति विहीन मतलब वो कोई भी चीज़ बताता नहीं है, अभिव्यक्ति विहीन कला के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। यानी अमूर्त रूप क्या है, कोई भी डायरेक्ट आपको वो चीज़, जैसे हम किसी का फेस देखेंगे तो डायरेक्ट पता लग जाएगा किसका है, पर अगर हम फेस ही नहीं देख रहे तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से समकालीन संसार को वास्तविक रूप से चित्रित करने के लिए कलाकार तैयार नहीं थे। क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है वास्तविक रूप से चित्रित करने के लिए कलाकार तैयार नहीं थे, कोई भी मूर्त रूप देने के लिए कलाकार तैयार नहीं थे। इसका प्रारंभ 1910 में हुआ था। इस कला के कलाकारों ने अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने के लिए चित्रों के रूप में स्वरूप देने का प्रयास किया। देखिए इन्होंने क्या करा, कोई भी बात कहनी है तो डायरेक्ट तौर पर इन्होंने चित्र बना के नहीं किया, बल्कि अमूर्त रूप से उसको जो है बताने की चेष्टा करी है। तो क्योंकि वास्तविक रूप में उन्हें दर्शाना संभव नहीं था, किसी भी चीज को रियलिटी मतलब किसी भी चीज को बाय फेस नहीं दिखा सकते थे, इसीलिए इनडायरेक्टली उस चीज को बताया है अमूर्त रूप में। मूर्त रूप नहीं दिया, सकल सूरत नहीं दिखाई, मूर्त रूप नहीं दिया, अमूर्त रूप दिया है। ठीक है ना, तो अमूर्त कला के कलाकारों में कांडिंस्की, डेलारूने
तथा मांड्रियन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो इन सब का नाम जो है काफी फेमस है चित्र बनाने में, अमूर्त रूप देने में। आगे असम में चलिए, अब आ जाएगा पब्लो पिकासो के बारे में संक्षेप में लिखे। तो पब्लो पिकासो क्या बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग पहले चित्र देखिए। देखिए पब्लो पिकासो का जन्म जो है 1881 में स्पेन के मालगा शहर में हुआ था। वह एक चित्रकार, मूर्तिकार और साथ ही साथ मृतका शिल्पी, यानी मिट्टी की जो है मूर्तियां वगैरह बनाता था, ठीक है। और पिकासो जो है, पिकासो प्रतीकवाद के से बहुत प्रभावित था। प्रतीकवाद मतलब उस चीज को याद करते हुए इन्होंने उसका प्रतीक के तौर पे ये बना दिया। एग्जैक्ट वही नहीं बनाया पर उसको याद किया, प्रतीक के तौर पे ये चीज बना दी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम भगवान शिव को याद करते हैं, तो भगवान शिव को याद करते हुए उनका प्रतीक जो है शिवलिंग बना दिया हमने, तो शिवलिंग के तौर पे है ना ये चीज। वैसे इन्होंने क्या करा, उसने अपनी शैली का विकास नीली काल अवधि के दौरान किया, और लेकिन गुलाबी काल अवधि में पिकासो ने काफी प्रगति करी। गुलाबी काल अवधि मतलब बाद की जो काल अवधि आई उसमें इन्होंने गुलाबी रंग के जो है मूर्तियां वगैरह बनाई। देखिए इस समय उसने अपने चित्रों में मुख्य रूप से गुलाबी रंगों का प्रयोग किया। उसकी कला में अफ्रीकन कला का भी प्रभाव देखा गया है। अफ्रीका में जैसी कलाएं बनाई जाती थी, चित्र वगैरह बनाए जाते, वैसे ही इन्होंने गुलाबी रंग से जो है बनाना मूर्ति वगैरह शुरू कर दिया पिकासो ने, ठीक बा। देखिए 1915 में उसने घनवादी समय का विकास किया और जिससे उसे विश्वविख्यात पर ख्याति मिली। मैन विद वायलिन, ये जैसे आपको चित्र दिख रहा होगा, कुछ क्लियर नहीं होगा इसमें, जैसे आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से दिखाया गया है, थोड़ा अटपटे से चित्र मिलेंगे इसमें, है ना। देखिए तो वायलिन पिकासो की प्रसिद्ध कृति में इसे एक है। यह चित्र 1912 में चित्रित किया गया था, और वायलिन वाला जो मैन विद वायलिन है ये किसने बनाया था, पिकासो ने बनाया था, ये आप लोग को बढ़िया तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब आ जाता है इसी से रिलेटेड, मैन विद वायलिन के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। तो मैन विद वायलिन के बारे में हम क्या जानेंगे, देखिए टॉपिक आप लोग देखिए क्या बोला जा रहा है। मैन विद वायलिन पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध कृतियां हैं, कृतियों में से एक है। यह 1912 ईस्वी में बनाई गई, ये कृति क्या बनाई गई, 1912 में बनाई गई थी। इसका माध्यम कैनवास पर तैलीय रंग है। कैनवास मतलब उस कागज पर तैलीय रंग मतलब क्या होता है, जो ऑयली कलर होते हैं उनका यूज किया गया है। यह चित्र घनवाद के जो है विश्लेषणात्मक अध्ययन की एक अच्छी मिसाल है। इस चित्र में वस्तुओं को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया गया है तथा एक ही समय में चित्र के अन्य विचारों को भी दर्शाया गया है। इसमें अलग अलग रूप से जो है चित्रों को दिखाया गया है। देखा रहा होगा मैन विद वायलिन कैसे है। इस चित्र में सभी आकार घन यानी क्यूब, घनाकार क्या होता है, क्यूबिक, तो मैंने पहले बोला था क्यूबिक होगा, हो तो घन के रूप में परिवर्तित हैं, और इसमें पिकासो ने आकार को नए तरीके से प्रयोग किया है। ये भी एक आकार है, इसको इन्होंने नए तरीके से चित्र वगैरह क्यूबिक पजल देखा होगा ऐसे टाइप में। एक मानव आकृति को दिखाया गया है जो हाथ में वायलिन लिए हुए दिखाया गया है। भूरे तथा हरे रंगों का मिश्रण तथा एवं रंगत इस चित्र की सुंदरता को बढ़ाने में कोई असर नहीं छोड़ी है इन्होंने। हर तरीके से सुंदर चित्र बनाया है इन्होंने। आगे तो सर ने, तो किसने बनाया, पिकासो ने, ठीक है। ये वाला सेम ये ऐसा हो जाएगा। चलिए अब आ जाएगा परासिस्टेंस, क्या बोला जा रहा है, हाँ परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के बारे में संक्षेप में बताइए। इसमें घड़ी वगैरह देख रखा हुआ आप लोगों ने कैसे पढ़ी हुई है, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय की कुछ बातें बता रखी है इसमें। देखिए तो बोला जा रहा है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, सल्वाडोर डाली की कृति है जो 1931 में बनाई गई है। इसका आकार 9.5x13 है और तथा यह कैनवास पर तैलीय रंग द्वारा बनाई, कैनवास वही पेपर पर तैलीय रंग ऑयली रंग करके बनाया गया है इसको। और इस चित्र में असज्जित मतलब कोई भी सजावट नहीं है, प्राकृतिक भूदृश्य तथा शांति को चित्रित किया गया। सब कुछ ऐसा पड़ा हुआ, मौन पड़ा हुआ है, घड़ी वगैरह दिख रही होगी, सब मौन पड़ी है, जानी नहीं है किसी में, ऐसा लग रहा है। यह चित्र युद्ध के बाद का दृश्य पेश करता है, युद्ध के बाद नहीं सब पड़े रहते हैं ऐसे इस तरीके से वो चीज,
तो इसमें युद्ध में मारे गए सारे मनुष्यों के बाद उत्पन्न हुई शून्यता को दिखाया गया है। सब कुछ शांत हो जाता है जब, तो वो दिखाया गया इसके अंदर। इसमें जीवन से संबंधित यदि कुछ भी वस्तुएं हैं तो इसमें जीवन से संबंधित यदि कुछ भी वस्तुएं हैं तो वे विलीन और लुप्त होती घड़ियां हैं, यानी कि समय नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है समय, घड़ियों को दिखाया गया। इसलिए ये विलीन होती घड़ियां यानी लुप्त होती घड़ियां, खत्म हो रही हैं समय, वास्तविक लगती हैं, रियल लगती हैं, तथा मानव के अशांत, मानव क्या है, अशांत दिख रहा है इसमें लड़ाई झगड़ा करके, तथा विक्षुब्ध मन को दर्शाती हैं। यानी कि ये क्या कर रही है, मानव को एक तरीके से विचलित होते हुए दिखाया जा रहा है कि मानव कितना ज्यादा परेशान हो चुका है इन चीजों से। आई होप सबको समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया आप लोगों का चैप्टर। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को अच्छी अच्छी मिलेंगी। इसके लिए आप बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर से दबा लेना, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आई थिंक दो चैप्टर और बचे हैं, 8 और 9, पूरा पेंटिंग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर SST और जो है 12th की हिंदी भी उठानी है हमें, SST 10th की चलती रहेगी साथ साथ, वो कवर करवा दूंगा मैं, ठीक है। आप लोग अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा साइमन क्लास को देते रहें, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।